खेत में बनी कोठी पर महिला को ले जाकर किया सामूहिक दुष्कर्म। पति से लूटकर घर से निकली थी महिला। खबर दतिया जिले के थाना थरेट से है, जहां एक महिला द्वारा तीन लोगों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला पंजीबद्ध कराया गया। मामले पर प्रकाश डालते हुए एसडीओपी उपेंद्र दीक्षित ने बताया कि प्रार्थिया महिला द्वारा राम हजूर, पंचम कडेरे एवं ब्रिजमोहन नामक युवक पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला पति से लूटकर घर से बाहर निकली थी, जिसे राम हजूर के दोनों साथी बहला फुसलाकर चीना बम्बा स्थित कोठी पर ले गए। बाद में राम हजूर भी आ गया और तीनों ने मिलकर महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। उक्त घटना को लेकर से सेवड़ा एसडीओपी उपेंद्र दीक्षित द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया। आखिर क्या कुछ कहना रहा इस घटना को लेकर सेवड़ा एसडीओपी उपेंद्र दीक्षित का, देखिए दतिया जिला तहसील सेवड़ा रजनी लिटोरिया की रिपोर्ट। देखिए, थाना थरेट पर एक महिला के द्वारा तीन व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध पंजीकृत कराया है, जिसमें उसके द्वारा बताया गया राम हजूर, ब्रजमोहन, पंचम कड़ेरा, इनके द्वारा उसको बहला फुसला कर एक कोठी है जो चीना के पास में, उसमें बलात्कार किया है। उसकी रिपोर्ट पर से धारा 370(2)(g) के तहत अपराध पंजीकृत किया गया है। फरार आरोपियों पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय की ओर से गिरफ्तारी हेतु इनाम घोषित की गई। थाना प्रभारी इसको अभी हम गिरफ्तार कर लेंगे। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? नहीं, तीनों ही एस्कॉर्ट हैं, तीनों की पतारसी की प्रयास जारी है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।